क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर श्रद्धा अग्रवाल, केसी हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ और आज मैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के शुभ अवसर पर सभी महिलाओं को अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देना चाहती हूँ। और आज के दिन मैं सभी महिलाओं को ये संदेश देना चाहती हूँ कि हम नारी जो है उनके अंदर इतनी शक्ति है कि हम हर एक तरीके से समाज को सशक्त बना सकते हैं। तो आज एक तरीके से नारी सशक्तिकरण दिवस भी है, तो महिला चिकित्सकों की तरफ से पूरे देश के मैं सारी महिलाओं को एक संदेश देना चाहती हूँ कि हम महिला चिकित्सक आपके लिए हमेशा मौजूद हैं, हमेशा आपके लिए काम करने के लिए तैयार हैं। और हम ये चाहते हैं कि हमारे देश की जो स्त्रियाँ हैं वो सेफर, स्ट्रॉन्गर और स्मार्टर बने। तो अब की बार जो हमारा संदेश है वो है कि वी फॉर स्त्री, सेफर, स्ट्रॉन्गर एंड स्मार्टर। इसके साथ ही जो हमारे एरिया में अनीमिया की जो समस्या है, जो बिल्कुल बहुत ज़्यादा कॉमन समस्या है, उसके बारे में भी थोड़ा सा कहना चाहूँगी कि सभी महिलाएं अपने अनीमिया को दूर करने के लिए, अपने अंदर रक्त की कमी को दूर करने के लिए प्रयास करें। अपने घर में मौजूद जैसे गाजर है, अनार है, जो भी चीज़ें घर में दूध है उसका अच्छी तरह सेवन करें ताकि उनके अंदर अनीमिया कभी भी ना हो। और इस बार हमारा जो फोकस है वो कैंसर की तरफ भी है। हम ये चाहते हैं कि हम कैंसर मुक्त भारत बनाएं, जिसमें कि महिलाओं के अंदर ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल यानी कि बच्चेदानी के मुंह के कैंसर की शिकायत बहुत ज़्यादा कॉमन है, बहुत ज़्यादा आम है और बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। इस समस्या से भी हम सारी स्त्रियाँ जूझ रही हैं, तो उसके लिए भी हम बहुत सारा काम करेंगे आगे कि जिससे कि ब्रेस्ट कैंसर और बच्चेदानी के मुंह के कैंसर की एक भी केस हमारे एरिया में ना हो। मैडम, आप देखा है अधिकतर आपके पास में शहरी महिला रोगी भी आते हैं और ग्रामीण महिला रोगी भी आते हैं, तो ऐसे में सबसे ज़्यादा जो अवेयरनेस की कमी है वो किस में नोटिस की जाती है? अवेयरनेस की कमी तो ग्रामीण महिलाओं में ही ज़्यादा होती है, क्योंकि जो शहरी महिलाएं हैं वो तो बहुत सारी महिलाएं गूगल करके भी आती हैं, बहुत सारी उनको इन्फॉर्मेशन या जो जानकारी है वो पहले से ही उपलब्ध रहती है। कुछ महिलाएं कॉलेज में, स्कूल्स में काम करती हैं तो उनको भी कुछ कुछ जानकारियां रहती हैं, लेकिन जो ग्रामीण महिलाएं हैं वो अल्ट्रासाउंड कराने के लिए भी तैयार नहीं होती आसानी से। उन्हें अल्ट्रासाउंड से भी डर लगता है, उन्हें और भी जानकारियां नहीं होती। वो कुछ अपने जांच कराने के लिए, जैसे कि बच्चेदानी के मुंह के कैंसर की जांच के लिए जब हम उन्हें बताते हैं, कहते हैं, तो वो शर्म महसूस करती हैं, तो उनको जागरूक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी कहाँ तक आवश्यकता है कि महिलाओं में जागरूकता लानी चाहिए, किस किस तरह के प्रयास करने चाहिए? अब हमें सारी महिलाओं को समय समय पर, जैसे कि पंचायत में जाके या स्कूलों में जाके या फिर प्राथमिक शिक्षा केंद्र या प्राथमिक चिकित्सा केंद्र में, पीएचसीज में जाके जो भी महिलाएं हमें मिलती हैं उनको समय समय पर इन बातों की जानकारी देनी चाहिए कि किस किस चीज़ से क्या क्या हमें सावधानियां रखनी है और खान पान में हमें क्या क्या बदलाव लाने ज़रूरी है। तो वर्तमान सरकार में जैसे कई मंत्री भी हैं महिला, कई उच्च पदों पर भी बैठी हैं, तो ऐसे में बदलाव हुआ है या नहीं? बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ है। अब वैसे नारी सशक्तिकरण बहुत ज़्यादा हुआ है जब से कि निर्मला सीतारमण और सुषमा स्वराज जैसी महिलाएं हमारी पॉलिटिक्स में राजनेता बनी हैं। उन्होंने हमारे देश की महिलाओं को एक तरीके से जागरूक भी किया है और इंस्पायर भी किया है। तो बहुत सारी महिलाएं फौज में भी गई हैं, सब लोग देखते हैं टीवी पे, सब लोग इंस्पायर होते हैं। तो महिलाओं की का सशक्तिकरण डेफिनेटली इस सरकार में हुआ है, लेकिन और भी ज़्यादा होना ज़रूरी है और इसके लिए जो महिला मंत्री हैं उनका भी आगे आना ज़रूरी है। महिलाओं के लिए और भी ज़्यादा प्रोग्राम्स आयोजित करे जाने चाहिए जिससे कि उनके अंदर और जागरूकता हो। धन्यवाद।